हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे कुछ नए क्लास डी बोर्ड लेके आए हैं। तो ये बोर्ड फ्रेंड्स ये इस टाइप का है, आप देख सकते हो। इसमें जो आईसी लगी हुई है यहाँ पे 8673 आईसी लगी हुई है, 8673। और इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वो 30 वाट प्लस 30 वाट पर चैनल यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद हमारा एक ये बोर्ड भी नया आया है मार्केट में, ये आप इसके आईसी का नंबर देख सकते हो फ्रेंड्स, TPA3118 आईसी इसमें लगी हुई है। इनके सबकी साउंड टेस्टिंग और वायरिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें तो वायरिंग की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो भी इसकी क्वालिटी है नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारा TPA3118 आईसी में है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक ये क्लास डी बोर्ड, ये फ्रेंड्स 3116D2 आईसी में ही है, बट ये ब्रिज मोड में है। ये 100 वाट का है, ये मोनो बोर्ड है फ्रेंड्स, ये 100 वाट मोनो है। इन्हें हम दो का पेयर लगा के किसी भी डेक को 100 प्लस 100 वाट का यहाँ पे बना सकते हैं। इसकी भी वीडियो और साउंड टेस्टिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा। और ये 24 वोल्ट तक ऑपरेट हो जाता है, 8 से 24 इस पर लिखा हुआ है, बट ये 26 वोल्ट तक चल जाती है। मतलब हमें इसे डबल बैटरी, अगर किसी के पास है जहां पे डबल बैटरी यूज होती है, 24 वोल्ट यूज होती है, वहां पे आप इसका जो भी एम्प बनाओगे वो डायरेक्ट चला सकते हो। अगर मोनो में सिंगल आउटपुट में आप 100 वाट का बनाना चाहो तो बना सकते हो, डबल में हम 100 प्लस 100 का बनाना चाहो, 100 प्लस 100 वाट का अगर बनाना चाहते हो तो ये ब्रिज मोड में है सिंगल, मोनो में है 100 वाट, तो आप इन दो बोर्ड को 100 प्लस 100 का यहाँ पे बना सकते हो। और फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास एक ये बोर्ड आता है, इसमें आप ये हीट सिंक देख सकते हो। हीट सिंक इसमें काफी हैवी दे रखी है दूसरे क्लास डी बोर्ड के हिसाब से। और इसमें यहाँ पे इसमें 3116D2 आईसी, इसमें 3116D2 डबल आईसी है, और ये भी ब्रिज मोड में दोनों आईसी चलती है। मतलब 100 प्लस 100 वाट की आउटपुट हमें इस बोर्ड से मिलती है, और इसमें भी हम 24 वोल्ट तक यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं और 100 प्लस 100 वाट की आउटपुट हम इससे ले सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है आप क्वालिटी इसकी देख सकते हो, काफी हैवी क्वालिटी में बोर्ड बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास एक बोर्ड ये आता है यहाँ पे, ये भी हमारा TPA3116D2 आईसी में है। इसकी जो आउटपुट है वो 50 प्लस 50 वोल्ट की है, और यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ ये आता है, ये आप देख सकते हो जो इसकी क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ नए बोर्ड आए थे, अभी इनकी जो टेस्टिंग है वो मैं सिंगल सिंगल की अलग से करा दूंगा कि किस में हमें कैसी साउंड क्वालिटी मिलती है और क्या क्या इसमें फीचर हमें देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स ये इनके लिए डायोड है, क्योंकि कई जगह प्रोटेक्शन नहीं होती, जैसे हम मेन लाइट देते हैं वहां पे प्रोटेक्शन ना हो, तो हम इस टाइप के ये सारे पैरेलल में लगे हुए होते हैं। आप 2 या 3 उसकी एम्पियर के हिसाब से जो भी उसकी वाटेज है इनमें से हमें लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन सब की मैं एक एक करके आपको यहाँ पे टेस्टिंग और इनकी जो भी क्वालिटी है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, वो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सब भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।